नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आईटी सहायकों के 6000 से अधिक पदों पर निकली बहाली। सम्राट अशोक की जयंती आज। बिहार में इस साल खूब होगी बारिश। बिहार की कई यूनिवर्सिटी के हजारों अतिथि शिक्षकों के वेतन पर संकट। आरसीबी के स्टार खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2024 का जड़ा सबसे लंबा छक्का। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आईटी सहायकों के 6000 से अधिक पदों पर निकली बहाली। बिहार में आईटी सहायकों के 6500 पदों पर बहाली निकली है। बिहार पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम्स और राज योजना सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अकाउंटेंट कम आईटी सहायकों की बहाली निकाली है और इसके लिए state.bihar.gov.in पर इस संबंधित नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। 30 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। मालूम हो कि 29 मई 2024 तक आवेदन लिया जाएगा। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भर्ती ली जाएगी। वहीं परीक्षार्थियों का कॉन्ट्रैक्ट उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। सम्राट अशोक की जयंती आज। सम्राट अशोक की आज 2368वीं जयंती है। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का शासनकाल बिहार के साथ साथ देश के लिए भी एक स्वर्णिम काल था। मालूम हो कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। ये युद्ध में अजय थे और बाद में इन्होंने शांति और सौहार्द का रास्ता चुना था। महान सम्राट अशोक की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये वो धरती है जिसने मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। मैं आज गया जी आया हूं, जो नवरात्रि भी है और आज ही सम्राट अशोक की जयंती भी है। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में 2 दिनों की छुट्टी। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में 2 दिनों की छुट्टी है। सरकार के अवकाश कैलेंडर के अनुसार साल 2024 में 16 अप्रैल यानी कि आज और 17 अप्रैल कल अवकाश है। सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक सभी कार्यालयों में छुट्टी घोषित है। मालूम हो कि आज सम्राट अशोक की जयंती और उसके बाद कल रामनवमी है, इस कारण आज और कल छुट्टी घोषित है। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर बिहार सरकार की ओर से छुट्टी घोषित की गई है। वहीं सरकारी स्कूलों में इन 2 दिनों में छुट्टी नहीं है। आज स्कूलों में सम्राट अशोक की जयंती को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मियों को लेकर दिया फैसला। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। दरअसल कोर्ट में जस्टिस नानी तागिया ने मगध विश्वविद्यालय के एन कॉलेज और वीएस कॉलेज दानापुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2006 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है और आवेदकों की ओर से बताया गया था कि सेवानिवृत्त कर्मियों को ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने लाभ देते हुए पेंशन भुगतान का आदेश दिया है। बिहार के कई यूनिवर्सिटी के हजारों अतिथि शिक्षकों के वेतन पर संकट। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में 3000 अतिथि शिक्षकों के वेतन पर संकट है। दरअसल शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के खाते पर रोक लगा दी थी और उसके बाद अतिथि शिक्षकों को नियमित तौर पर वेतन नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालयों का कहना है कि उनके पास इन शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा और उसके बाद इन शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। इधर BRABU में 700 शिक्षकों के पद खाली है। इसमें 400 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इन्हें हर महीने 50,000 रुपए मानदेय के तौर पर दिए जाते हैं। कई अतिथि शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर हनुमान मंदिर में 25,000 किलो नवेदम तैयार। बिहार में रामनवमी को लेकर पटना जंक्शन पर स्थित महावीर मंदिर में खासा इंतजाम किया जा रहा है। भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखकर महावीर मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। महावीर मंदिर की ओर से 25,000 किलो का नवेदम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 100 से अधिक कारीगर अपने काम में जुटे हैं। मंदिर में आज रात 2:15 से भक्तों का प्रवेश शुरू होगा। भक्त मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकेंगे। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कतार लगाए जाएंगे। वहीं मंदिर में ड्रोन के द्वारा पुष्पों की वर्षा की जाएगी। विशेष ट्रेनिंग में देरी से पहुंचने वाले शिक्षकों का कटेगा वेतन।
बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग दी जा रही है। 16,000 शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग के लिए 15 से लेकर 20 अप्रैल तक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 अप्रैल से नए बैच की शुरुआत हुई, इसमें 9 बजे के बाद पहुंचने वाले शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। जानकारी के अनुसार सभी शिक्षकों को पहले इस बात की जानकारी दी गई थी कि प्रशिक्षण शुरू होने के 1 दिन पहले शाम में शिक्षकों को यहां पहुंच जाना है। जो शिक्षक अगले दिन पहुंचे उनके वेतन में कटौती होगी। बिहार में इस साल खूब होगी बारिश। मौसम विभाग ने इस साल अच्छी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद जताई गई है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून की दीर्घ अवधि को लेकर पूर्वानुमान जारी हुआ है। जून से लेकर सितंबर तक के 4 महीनों में सामान्य से 106% बारिश अधिक होने की आशंका जताई गई है। मानसून के दौरान सामान्य वर्षा का मतलब 87 सेंटीमीटर बारिश है। बिहार में इस बार 992.2 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि साल 2002 से लेकर अब तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बिहार के 2 शूटर गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बिहार के 2 शूटर को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान 34 साल के विक्की गुप्ता और 21 साल के श्री जोगेंद्र पाल के तौर पर की गई है। दोनों का बिहार से कनेक्शन सामने आया है। दरअसल ये दोनों ही बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए मुंबई पुलिस मोतिहारी पहुंचेगी और साथ ही दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। पूरे मामले की गहन छानबीन की जाएगी और इस मामले में मुंबई की पुलिस ने बिहार की पुलिस से संपर्क किया है। बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में 20 अफसरों को ईओयू ने भेजा नोटिस। चल रहे मीडिया खबरों के अनुसार बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने 20 अफसरों को नोटिस भेजा और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। परीक्षा में अनियमितता की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि परीक्षा से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी अफसरों से ली जाएगी। सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ होगी और जल्द ही ये पूछताछ होने के बाद कही जा रही है और इसके बाद इन बातों का पूर्व में हुई आरोपितों से पूछताछ से मिलान होगा। अगले एक पखवारे में इन अधिकारियों से नियुक्ति प्रक्रिया की पूछताछ की संभावना जताई गई है। गया की रैली में राजद पर जमकर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गया और पूर्णिया में रैली हो रही है। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट अपील की है और साथ ही यहां पर पीएम ने राजद पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि संविधान अगर बाबा साहेब का दिया हुआ नहीं होता तो आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। कहा जा रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा लेकिन खुद बाबा साहेब भी संविधान को नहीं बदल सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 25 करोड़ गरीबों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी। हर वर्ग के लिए ठोस प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जंगल राज और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे कई सवाल। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा है कि आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत है। उम्मीद है कि आप बिहारी जनमानस के सवालों का उत्तर अपने भाषण में जरूर देंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों पर पीएम से सवाल उठाया है और कहा है कि कोई भी नेता दूसरी पार्टी में रहने पर भ्रष्ट होता है लेकिन भाजपा में जाते ही वो ईमानदार का पर्याय कैसे हो जाता है। अपराध को लेकर भी पीएम मोदी से तेजस्वी यादव ने सवाल किए हैं। उसके अलावा परिवारवाद पर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। पीएम मोदी की चुनावी रैली को लेकर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार में पूर्णिया और गया में चुनावी रैली कर रहे हैं। इसे लेकर जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रचार प्रसार करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाए। बिहार के लड़के मजदूरी करने गुजरात में जा रहे हैं तो उन्हें लाठी से मारकर और गाली देकर छोड़कर नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं तो यहाँ चीनी मिल को चालू करने पर भी कोई व्यक्तित्व नहीं देंगे। बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद की बातें होंगी, हिंदू मुसलमान की बातें होगी, राम मंदिर की बातें होगी, लालू यादव के जंगल राज की बातें होगी लेकिन यहाँ के लोगों के हित में कोई बात नहीं होगी। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगाते हैं कि हार के डर से पीएम बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत होगी। आरसीबी के स्टार खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2024 का जड़ा सबसे लंबा छक्का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2024 का सबसे लंबा छक्का जरा है और इसके साथ ही इन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। इन्होंने टी नटराजन की गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में 108 मीटर की दूरी का छक्का जरा। दिनेश के सिक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ही वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और साथ ही 2 घंटे के अंदर ही आईपीएल 2024 का सबसे लंबे सिक्स रिकॉर्ड को दिनेश ने खत्म कर दिया। मालूम हो कि इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 83 रन की बेहतरीन पारी खेली है। आपके अनुसार दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। काफी लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं पर मार्केट के इतने टेक्निकल एटीज के साथ पता नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी ऐप मैंने डिस्कवर किया है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे वे में डिजाइन है कि इस पे कोई भी ऑप्शन ट्रेड कर सकता है। चलिए मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाती हूँ ऑफर ट्रेड जो मैंने प्लेस किया है मार्केट वुल्फ पर। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो अप। अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया है क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव करता है। मैं वुल्फ वे यूज करती हूँ क्योंकि इसमें मार्केट वुल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट में मैंने 1652 रुपए कमाए हैं, विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट्स। आप भी इस ऐप में इजिली पैसे कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाए और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करे फ्रॉम द लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन। निवेश करने के लिए आप मिनिमम 999 रुपए से निवेश शुरू करें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर और मार्केट वुल्फ का वुल्फ वे अपनाएं। इनका जो पैटर्न है, अगर ये आप फॉलो करते हैं तो इस पैटर्न से आप अपने लिए एक अच्छा स्टॉक रिटर्न ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वेद प्रकाश सिंह, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, आनंद मिश्रा, राकेश मिश्रा, गुणर शर्मा, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, कुलदीप कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, अभिषेक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके इलाके में गर्मी कैसी पड़ रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।